दोस्तों, धक धक गर्ल के नाम से लोगों के बीच मशहूर हुई बॉलीवुड की बेहद खास अदाकारा माधुरी दीक्षित की तब भी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी थी जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं हुआ करता था। उनके दीवाने अपने घरों में उनके बड़े बड़े पोस्टर लाकर लगाया करते थे। माधुरी दीक्षित ने जब अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की उन दिनों में शुरुआती दिनों में मिथुन चक्रवर्ती ने उनकी बहुत मदद की थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब शोहरत इंसान को मिल जाती है तो वह अपने पुराने दिनों को भूलने लगता है। ऐसा ही कुछ माधुरी दीक्षित के साथ भी हुआ, जिसके वजह से सालों तक दोनों के बीच खटास भी रही। माधुरी दीक्षित और मिथुन चक्रवर्ती दोनों ही अपने जमाने के सुपरस्टार रहे। दोनों के साथ में कई फिल्में भी आई जिनको लोगों ने काफी पसंद भी किया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें माधुरी को अपनी फिल्म इलाका और प्रेम प्रतिज्ञा सहित दर्जन भर फिल्मों का हीरोइन बना दिया। मिथुन के साथ माधुरी की कई फिल्में चल पड़ी। इसी बीच माधुरी की अनिल कपूर के साथ तेजाब हिट हो गई और वह रातों रात सुपर स्टार बन गई। नहीं है। ये शौक नहीं, प्यार है, प्यार मोहिनी। तेजाब के बाद माधुरी को अचानक मिले इस स्टारडम के बाद बदलने लगे। उन्होंने मिथुन के साथ साइन की गई फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया और डेट्स का बहाना बनाने लगे। लेकिन मिथुन को ये रास बिल्कुल नहीं आया। उन्होंने एक्टर से बात करनी चाही लेकिन हर बार उनके पास एक बहाना तैयार रहता। मिथुन को समझ में आ गया कि माधुरी अब उनकी फिल्मों में काम नहीं करना चाहती क्योंकि उन्हें अब अनिल कपूर का साथ पसंद किया जा रहा है। कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे लेकिन माधुरी का यह रवैया उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया और दोस्ती में दरार आ गई। सालों तक दोनों के बीच में मनमुटाव रहा। हालांकि कुछ सालों के बाद फिर दोनों ने अपने गिले शिकवे मिटा दिए। आज दोनों अच्छे दोस्त हैं।